हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज के डेली क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ में। और गाइस, आई होप आप लोग सेफ एंड सिक्योर हो गए। आज बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है एंड इतना नॉर्मल है एंड 67 से हिट होके 63 पे हम लोग आए हैं, जो कि नॉर्मली इट्स ओके एंड ये करेक्शन आना ही। मैंने आपको बताया था कि हम 70,000 जाएंगे बीच में करेक्शन देखते हुए, एंड करेक्शन आ गया, अच्छी बात है। एंड ऑल्ट कॉइंस काफ़ी ज़्यादा ग्रीन थे आज, एंड चेनलिंक ने काफ़ी अच्छा किया है। सीक्रेट टोकन ने, कई भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि लॉस में से सीक्रेट ने देखे भाई फिर रिकवरी कर ली है। वू ने अच्छी रिकवरी की है, मैटिक ने की है, डॉट ने तो करी ही है, 44-45 आई थिंक गया था। डॉट धीरे धीरे जाएगा, डॉट और चेनलिंक जो है आपके धीरे धीरे जाने वाले कॉइन्स हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बतानी है कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करिएगा, वहाँ पर उडेमी कोर्स है जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस सिखाई है। तो उस कोर्स की जो है प्राइस शायद आज कल में बहुत ज़्यादा सस्ती चल रही है, सेल पे चल रही, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। बस कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग आराम से जिनको सीखना हो ले सकते हो। सबसे पहले अगर हम पहली न्यूज़ की ओर चलें, पहली न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट हिट्स 2.6 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। यानी ओवरऑल जो क्रिप्टो में लगा हुआ पैसा है वो टोटल 2.6 ट्रिलियन पहुंच गया। अभी ये रिसेंटली में हुआ है और बिटकॉइन ने रैली की है अच्छी खासी, तो 2.6 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन का पहली बार हुआ है, जो कि एक अच्छी और बुलिश न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीटर थाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं अगर हम स्टार्टअप की दुनिया में बात करें। इन्होंने बहुत सी कंपनीज़ में बहुत समय पे जो है एंट्री ले ली थी, इन्वेस्टर हैं बहुत बड़े। और आपको पता होगा पीटर थाइल ने पेपाल को हेड ओवर कर लिया था इलॉन मस्क को पीछे छोड़ के। तो एक बड़ी बात है कि इलॉन मस्क और पीटर थाइल की कुछ समय की राइवलरी चली थी, एंड पीटर थाइल को मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इनके प्रिंसिपल्स, इनके सेट्स काफ़ी अच्छी बातें होती हैं इनकी। तो इन्होंने क्या बोला है फिलहाल के लिए कि बिटकॉइन $60,000 से ऊपर गया, ये काफ़ी अच्छा साइन है पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से। मतलब जो डिक्रिप्ट हमारा जो सिस्टम है फाइनेंशियल, वो गलत था और उसको एक तरह से अच्छा यहाँ पर मतलब मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। नियरली 70% जो बिटकॉइन डोजकॉइन के होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट में, ये डेटा शो करता है, डेटा आया हुआ है और वो बताता है कि जो ऑन चेन मैट्रिक्स को देख के निकाला जाता है उसके हिसाब से जो 70% बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। माइंड ब्लोइंग 99.7% ऑफ ऑल बिटकॉइन होल्डर्स आर इन नाउ इन प्रॉफिट। जितने भी लोग होल्ड कर रहे हैं ना, होल्डर्स की बात हो रही है यहाँ पर, होल्डर यानी होल्ड करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें 99.7% लोग प्रॉफिट में हैं। ये बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छी न्यूज़ है गाइस। अगर आपको बिटकॉइन की कोई अच्छी रैली समझनी हो तो इससे ही आपको समझ में आ जाता है बिटकॉइन के सभी लोग प्रॉफिट में चले जाते हैं। NBA जो कि वहाँ पर बहुत बड़ी करवाता है स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप करवाता है, कॉइनबेस ने FTX के साथ जुड़ा है ताकि वो पार्टनरशिप कर सके NBA में। और NBA बहुत बड़ा वहाँ पर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है जिसका एक दो बार साल में आई थिंक मैच होता है, जिसमें लोग पागलों की भीड़ में बहुत सारा उसमें उसके लिए एक्साइटेड होते हैं। तो NBA में अगर पार्टनरशिप कॉइनबेस और FTX कर रहा है तो क्रिप्टो के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। वॉल स्ट्रीट की बात करें तो वॉल स्ट्रीट में क्या चल रहा है, वॉल स्ट्रीट के एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने कहा बिटकॉइन $168,000 आराम से ईयर एंड तक जा सकता है। इनका नाम क्या है, टॉम ली नाम है, को फाउंडर ऑफ फंड स्ट्रैट हैं ये, और इन्होंने कहा $168,000 तक जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फेसबुक पायलट्स नोवी क्रिप्टो वॉलेट विद कॉइनबेस पैक्सोस। सोशल मीडिया जायंट ने इंटेंड करता है नोवी लॉन्च करने के लिए ताकि उसका जो डैम पेमेंट नेटवर्क नहीं था जो पहले आया था, रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा एक बार, तो उसके बाद इनकी जो क्रिप्टो वॉलेट है नोवी डिजिटल वॉलेट वो चलने लगेगी, ठीक है। और टेस्टिंग फेस में करेंटली USA में और ग्वाटेमाला में है। तो ये सब चीज़ें हैं और आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर फेसबुक जो है आपका, वो फेसबुक भी अपनी जो है मतलब खुद की डैम डिजिटल करेंसी निकाल चुका है और निकाल रहा है, वर्क कर रहा है उस पर। तो बेसिकली आज की न्यूज़ थी हमारी यही थी। रशिया के बारे में देख लेते हैं, रशिया कंसीडर्स पार्शली रिप्लेसिंग डॉलर रिजर्व्स विद डिजिटल एसेट्स इन फ्यूचर्स। जो उसके डॉलर रिजर्व्स हैं जहाँ पर रखे रहते हैं वहाँ पर उसको छटा के रशिया कंसीडर कर रहा है कि वो वहाँ पर उसको डिजिटल एसेट्स को स्टोर कर सके। डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़, स्टेबल कॉइन्स भी हो सकते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।